गुरुजी की और वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। श्री कालू मेहता अक्सर इस बात से चिंतित रहते थे कि उनके पुत्र का मोह संसारिक जीवन में बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन श्री कालू मेहता ने गुरुजी से कहा, नानक, यदि तुम घर की गाय भैंस भार चरा आया करो तो जहाँ यह पशु पेट भर सकते हैं वहीं तुम्हारा आलस्य भी दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान भी तो अपनी गाय चराने जाया करते थे, तुम भी अपने पशु चराने बाहर जाया करो। पिताजी की आज्ञा श्री गुरु नानक देव जी ने स्वीकार की तथा गाय भैंस चराने के लिए जाने लगे। तब माता जी ने गुरु जी को भूख लगने पर कुछ खाने के लिए साथ में दे दिया। गुरुजी पशु चराने के लिए घर से निकल गए। गाय भैंस जंगल में एक और छोड़कर गुरु नानक देव जी एकांत स्थान पर बैठ गए। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार श्री गुरु नानक देव जी ईश्वर के ध्यान में लीन हो गए। उधर गाय भैंस चरती चरती हरी भरी सुंदर खेती में घुस गई। पशुओं ने आराम से खेती की फसल को खाया और पूरा खेत अस्त व्यस्त हो गया। इतने में ही खेत का मालिक वहां आ गया। हे भगवान, सारी खेती नष्ट हो गई, सारी मेहनत पे पानी फिर गया। हे नानक, मैं जानता हूँ तुम पटवारी के पुत्र हो और यह पशु तुम्हारे हैं, इसलिए फसल बर्बाद होने की जिम्मेवारी तो तुम्हारी ही होगी। यह कहकर वह रोष दिखाने लगा। गुस्से में क्यों आते हो? बेजुबान पशुओं ने अगर थोड़ी सी फसल खा भी ली तो ऐसा क्या बड़ा हो गया? परमात्मा इसी में तुम्हें उन्नति देगा। गुरुजी ने बहुत समझाया पर वह जाट बोलता रहा। अरे ऐसे कोई थोड़ी ना होता है, किसी के भी खेतों में कोई चला जाए, कहीं पर भी चला जाए, किसी की खेती बाड़ी कितनी मेहनत से उगाई जाती है, पता नहीं जाने कहां कहां से पशु लेकर आ जाते हैं। चलता हूं मैं अभी जाके राय साहब को सारी बात बताता हूं। जाट अपनी शिकायत लेकर राय बुल्लर के पास पहुंचा। देखिए हुजूर, पटवारी के पुत्र के पशुओं ने मेरी सारी खेती बर्बाद कर दी है, सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। सुनने वालों ने कहा, भाई नानक तो मस्त लड़का है, इसके पिता को बुलाओ। राय बुल्लर ने पटवारी जी से कहा, कालू तुम अपने पुत्र को समझाओ, इसने गरीब जाट की खेती नष्ट कर दी है, ऐसी लापरवाही सही नहीं है। हुजूर यह बालक मस्त मोला है, कुछ काम नहीं करता। राय बुल्लर ने न्याय की दृष्टि से कहा, तो ठीक है, जितना नुकसान इस गरीब जाट का हुआ है वह उसको दे दो। तब गुरुजी ने कहा, श्रीमान जी, इस जाट का तो तिनका भी नष्ट नहीं हुआ है, चलिए और खुद चलकर इसके खेत देख लीजिए। हुजूर मैं गलत नहीं बोलता, खेती में एक भी बूटा नहीं बचा। अब खेती को देखने के लिए राय बुल्लर ने अपने सिपाही भेजे। सिपाहियों ने खेत पर नजर डाली। परंतु खेती को कोई नुकसान नहीं हुआ था। जाट ने भी जब अपने खेत देखे वह भी हैरान हो गया। गुरुजी और कालूजी वापस अपने घर चले गए। अगर आप साखी बनाने में अपना आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन देखें। वर्ष 1970 में लेह में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। सभी कुछ सही चल रहा था परंतु लेह नींबू रोड पर एक बहुत बड़ा पत्थर रास्ते में आ गया था। उस बड़े पत्थर पर बुद्ध धर्म के झंडे लिपटे हुए थे। बुलडोजर चलाकर उस पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश की गई परंतु वह टस से मस नहीं हुआ। यहाँ तक कि पत्थर हटाने के प्रयास में बुलडोजर की चेन टूट गई और पूरा काम वहीं रुक गया। उसी रात जो ड्राइवर बुलडोजर चला रहा था उसको एक सपना आया, इस पत्थर को मत हटाओ। अगली सुबह उस ड्राइवर ने यह बात सभी को बताई। रात में मुझे एक सपना आया और मुझसे कहा गया कि तुम जिस पत्थर को हटा रहे हो उसे मत हटाओ। अरे सपनों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते, चलो काम शुरू करो। परंतु उस दिन भी पत्थर नहीं हटाया जा सका।
कल इस पत्थर को बारूद से उड़ा दो। सभी वापस चले गए, परंतु रात में जवान को भी सपना आया, इस पत्थर को मत हटाओ। सुबह उठकर जवान ने फिर से उसे एक भ्रम माना। तभी जवान व उसके साथियों के पास लद्दाखी लोग आए। हम दो दिनों से कोशिश कर रहे हैं, परंतु यह बड़ा पत्थर हट ही नहीं रहा। शायद नानक लामा नहीं चाहते कि यह पत्थर यहाँ से हटाया जाए। कौन नानक लामा? बहुत समय पुरानी बात है। लगभग 1515-1518 के बीच में नानक लामा, जिन्हें आप गुरु नानक के नाम से जानते हैं, श्रीनगर, सिक्किम, नेपाल व तिब्बत के रास्ते से गुजरते हुए पंजाब की ओर जा रहे थे। उसी यात्रा के दौरान वो कुछ समय यहाँ ठहरे थे। उस समय एक राक्षस प्रवृत्ति वाला दानव रूपी व्यक्ति यहाँ रहता था। उसका आतंक पूरे गाँव में फैला था। पूरा गांव ईश्वर से प्रार्थना करता था कि कोई आए और उन्हें उस राक्षस के चुंगल से मुक्त करवाए। नानक लामा ने उनकी प्रार्थना सुनी और वो गांव में पहुंचे, जहां आज यह पत्थर है उसके नीचे एक नदी बहती थी। वहीं नानक लामा ने अपना डेरा जमाया। नदी के ऊपर पहाड़ी पर वह राक्षस रहता था। गुरुजी वहाँ भजन करते थे, लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। सभी और उनके भक्त बढ़ते जा रहे थे और वह लोग उन्हें नानक लामा कहने लगे। लोगों ने गुरुजी को अपना दुखड़ा सुनाया। गुरुजी, हम सब बहुत दुखी है। ऊपर एक राक्षस रहता है जो हमारे जानवर मारता है, यहाँ तक कि इंसानों को भी वो नहीं छोड़ता। हमारा उससे मदद करो। सभी लोगों का दुखड़ा सुनकर गुरुजी नदी के ऊपर वाली पहाड़ी पर बैठ गए और ईश्वर का सिमरन करने लगे। जिस स्थान पर गुरुजी सिमरन कर रहे थे, उसके ऊपर वाली पहाड़ी पर खड़ा वह दानव रूपी मानव सब कुछ देख रहा था। एक तुच्छ मानव की इतनी हिम्मत मेरे इलाके में आकर बैठ गया है, जाने क्या कर रहा है, अभी सबक सिखाता हूँ। यह बोलकर उसने एक बड़ा पत्थर गुरुजी को मारने के लिए उनकी ओर धकेल दिया। परंतु जैसे ही पत्थर ने गुरुजी को छुआ, वह मोम का बन गया। वह राक्षस तुरंत नीचे आया और उसने देखा कि गुरुजी अभी भी ईश्वर के सिमरन में लिप्त हैं और वह उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। वह और क्रोधित हुआ और उसने गुरुजी की ओर वह पत्थर अपनी लात से धकेलने की कोशिश की। उसका पांव वहीं धस गया, परंतु पत्थर टस से मस नहीं हो पाया। यह सब देखकर उस दानव रूपी मानव को एहसास हो गया कि जिस व्यक्ति से आज उसका सामना हुआ है, वह कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसने गुरुजी से अपने किए हुए पापों की क्षमा मांगी। दयालु गुरुजी ने उसे क्षमा किया और अपनी ताकत व शक्ति को अच्छे कार्यों व मानव सेवा में लगाने को कहा। सभी पहाड़ी लोगों ने जवानों को कहा, यह स्थान हमारे नानक लामा का है, सब लोग उनको बहुत मानते हैं, आप उनका निशानी यहीं रहने दो। सभी लोगों की भावनाओं और साक्षात गुरुजी की शक्ति का प्रमाण मिलने के पश्चात वहां काम रोक दिया गया और एक मनमोहक गुरुद्वारे का निर्माण किया गया, जहां आज भी संगत गुरुजी के चिन्ह रूपी उस पत्थर के दर्शन करने व प्रसाद चखने आती है।